अजय मैडम तो ये ताला और मेरी क्लास का ही एक स्टूडेंट है, तो उसका क्या था कि हम लोग एक्टिविटी करा रहे थे बाहर, तो एक्टिविटी कराने के दौरान हम सारे बच्चों को बाहर लेके चले गए थे उस टाइम पर। बट लेकिन ये क्या हुआ, ये टॉयलेट के बहाने ज़्यादातर वैसे अपने बहन के पास ही बैठता है, और ये टॉयलेट के बहाने आकर क्लास में उस दिन बैठ गया बाई चांस। और छुट्टी होने के तुरंत बाद ही ये ना जाने टॉयलेट करने कैसे पहुँचा है, सारी क्लास वगैरह सब हम चेक करके पहले से ही रखते हैं, बट लेकिन उस दिन ये उसके अंदर चला गया और फिर उस टाइम पे वो ये बंद हो गया था। कितने घंटे बंद रहा होगा? लगभग वो 2.5 घंटे बंद रहा है। तो फिर मालूम कैसे पड़ा बच्चे की? उसके बाद ऊपर से जो लेडीज थी वहाँ उन्होंने इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, बस खाली चुपचाप से बैठा हुआ है, ना कुछ कर रहा है ना कुछ कोई बात है उसे, बस खाली वो बैठा हुआ है, आप उसको जाकर बस खोल दीजिए। फिर बाद में गेट तोड़ा कैसे निकाला बच्चे को? ताला खोल। हमारे धनीपुर में प्राथमिक विद्यालय है जहाँ एक कक्षा 4 के बच्चे के द्वारा कक्षा 1 के बच्चे को टॉयलेट में बंद कर दिया गया था, और छुट्टी के बाद वो उसी में बंद रह गया। फिर गांव वालों ने ताला खुलवा करके उस बच्चे को निकाला था। इसमें जो प्रधान शिक्षिका है वहाँ की, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी जवाबदेही तय करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे निलंबित कर दिया गया है। हाँ, बच्चा बहुत छोटा था, दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए एक अलग से हम निर्देश भी जारी कर रहे हैं सभी स्कूलों के कि टॉयलेट और जो हमारे कक्षा हैं उनको स्कूल की छुट्टी के समय विधिवत चेक करके तभी ताला लगाया।